टीम ये रिश्ता क्या कहलाता है ने किया गणपति का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे हुई गणपति स्थापना, ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। तो देखिए पूरा वीडियो। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, भगवान इस तरह खुशियां मना करके हमेशा पीछे। यस यस सर, इससे वाइड भी होगा इसमें। अच्छा थैंक यू। ठीक है, ऐसे तो कुछ अंदर भी एक जैसे बाजी का ले ले मेरे साथ। पहले बाल्टी कौन है? हाँ माता जी साथ में आइए। चलो 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 माता जी। गणपति कितना स्पेशल है आपके लिए और क्या होने वाला है? गणपति आई थिंक हमेशा से मेरे लिए स्पेशल रहा है, हर साल स्पेशल रहा है, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तो उतनी ही एक्साइटेड रहती हूँ हर बार, एक महीने पहले से हमारी कई तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। आज मेरा वर्किंग है और मेरे घर पे आई थिंक 11:30 को पूजा होने वाली थी, तो मैंने ऑफकोर्स घर का मिस किया है, लेकिन यहाँ की आरती मुझे मिल गई। तो गणपति पप्पा मोरिया। लेकिन आप नहीं देख रहे, लास्ट में हर्षद अकेले थे, इस साल आज शायद उनका शूट नहीं है, मेरा है तो हाय। और पिछले साल तो मुझे पिछले साल आई थिंक मैंने अपने घर की गणपति की स्थापना की थी, सो आई हैड टू लेट। तो मैं लेट आई थी लेकिन मैं आई थी। इस बार पापा से क्या विश मांगी आपने? बताऊंगी तो पूरी होगी क्या? नहीं बताऊंगी मैं। कुछ विश लिस्ट में से कुछ एक विश बता दो आपकी, क्या क्या विशेज है आपकी? विशेज तो खैर बताऊंगी नहीं वरना पूरी नहीं होगी, बट जो हो मेरे अच्छे के लिए। मैंने अभी ये सुने कि शो में जो है जनरेशन लीप भी आने वाला है, तो ये कितना सच है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। प्रणाली लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहा है, कितना एंजॉय करते हो आप या कितना प्रेशर फील करते हो? ये तो बहुत 2 साल पहले पूछना चाहिए था, लेकिन अभी तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, मतलब मजा आता है, तो सब भी कंफर्टेबल हो गए। नहीं बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है कि पप्पा इस साल वापस आए और सबको आशीर्वाद दे रहा है। आई थिंक ये 13th ईयर है पप्पा जाने का, प्रे करते हुए आए, जैसे आते पूरा माहौल आता है सेट का, और खुशी हो रही है कि सब साथ में यूनिट में और सारे टीम ने बैठ के बप्पा को वेलकम किया। सर इस बार थीम कुछ अलग है, ये जानना चाहेंगे क्या थीम डिसाइड? बहुत अच्छा है, हमारे आरे निखिल जी सब ने मिल के आर टीम ने सारी यूनिट इनफैक्ट लेके डेकोरेट किया है, और ये विजन था आरिफ का जो क्रिएट करना, उदयपुर का ये लेक है और वो हवा वो महज जो है एग्जैक्टली उदयपुर में ऐसा ही है, क्योंकि ये शो आप लोग वैसे ही शो कहाँ का पेश आप जानते हैं? उदयपुर बेस्ड शो है। यस यस। तो ये लगेगा आपको कि हम आज उदयपुर में है, तो उदयपुर थीम के साथ ही बनाया गया। तो क्या होता है तीनों यूनिट सारी यूनिट जो होती है वो सरप्राइज रखती है, मुझे पता चलता है जिस दिन मैं सेट आ जाता हूँ। तो जैसे हमारे आईकुटे के सेट के अंदर चंद्रयान का पूरा थीम रॉकेट्स और वो बनाया गया था, यहाँ पर उन्होंने उदयपुर के लेक का थीम रखा है, अभी बातें में जाके देखते हैं कौन सा थीम है और फिर अनुपमा में जाके देखते हैं। तो आप जब देखते हो तो अप्रूवल देते हो क्या इन लोगों के? नहीं, आपको आरिफ मेरी मदर को माता जी को पिक्चर्स भेज देता है, बट मैं आज ही के दिन देखता हूँ, बहुत पहले सरप्राइज होता है। ये कहा जाए कि इसमें नहीं अप्रूवल अच्छा, मतलब वो देखते हैं, करने वाले तो आरिफ हैं, जैसे निखिल हैं, हमारे लड़के हैं, सब ये लोग करके उनका विजन वो बड़े प्यार से बनाते हैं, और यूनिट सुबह से शाम यहाँ पर आरती करती है, तो इतना अच्छा लगता है। हम सबका मानना है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो पर जब तक ऊपर वाले का हाथ ना हो तो कोई काम, माँ बाप का आशीर्वाद ना हो, बड़ों का आशीर्वाद ना हो, तो कोई काम सफल नहीं होता। तो आपका क्या कहना चाहोगे?
गणपति बप्पा मोरिया। टेलीविजन से जुड़े ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल जस्ट शोबिज़।